नमस्कार, एसएन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक लेके आए हैं, कथन और निष्कर्ष, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बीएसटीसी रीट रीट में नहीं आता है, बीएसटीसी कांस्टेबल और पीटीटी जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें, एसएससी किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम ले लो, उसमें सभी प्रकार का ये इम्पोर्टेंट है। और काफ़ी दो चार क्वेश्चन बीएसटीसी और पीटीटी में तो इसे पूछ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं बहुत आसान तरीके से, समझना केवल ध्यान से। ये कथन है, सभी पेड़ फल हैं, और दूसरा कथन है, सभी फल जड़ हैं। इसके ये चार निष्कर्ष दे रखे हैं और हमें पूछेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो शुरुआत करेंगे, सभी पेड़ फल हैं। अब इसका मैं डायग्राम बनाऊंगा। सबसे पहले क्या देखा है इसमें, पेड़। तो मैं पेड़ बना रहा हूँ, ये पेड़ लिख दो के पेड़, इसमें लिख का पेड़, इसलिए मैंने पेड़ लिख दिया। सभी पेड़ फल हैं, तो पेड़ को ऐसे बना लो, ये हो गया साफ पेड़, ये पेड़ हो गया। सभी पेड़ फल हैं। अब जब सभी का जहाँ पर लिखा हुआ आता है कि सभी, जहाँ सभी आता है तो उसके ऊपर बना देंगे हम, तो फल कहाँ बनेगा, इसके ऊपर। क्यों बनाए इसके ऊपर, क्योंकि सभी आ रहा है। अगर सभी नहीं होता और अगर होता कि कुछ कुछ होता तो इस पेड़ को थोड़ा सा यहाँ काट देते। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पेड़ बनाया, ये पेड़ का गोला बना दिया मैंने पेड़, और सभी आया था इसलिए इसके ऊपर बनाया मैंने, और क्या बनाया, फल। इसके ऊपर क्या बना दिया, फल। अब मेरे दोस्तों देखिए, अगली लाइन को देखिए, पहले निष्कर्ष कथन के अनुसार तो वो चीज़ आ गई, दूसरा देखना, सभी फल जड़ हैं। देखो इसमें कि फल आ गया है, नहीं आ गया, फल है ना, फल तो हो गया। फल कौन सा है, ये वाला फल का है, ये वाला है फल का, ये फल। सभी फल जड़ हैं। अब मेरे दोस्तों बताओ, जड़ का बनेगा, अभी मैंने बताया कि अगर सभी आ जाता है तो उसके ऊपर बनेगा, तो यहाँ सभी आ गया, इसका मतलब यह तो पता चल गया ऊपर बनेगा, फल जड़ है, तो इस फल के ऊपर क्या बनेगा, जड़। यह फल जो बन गया इसके ऊपर क्या आएगा, जड़। ठीक है अभी साहब, शर्मा जी देखो, सभी पेड़, पहले पेड़ बनाया मैंने, ये पेड़ बनाया, और सभी पेड़ फल है, तो पेड़ के ऊपर मैंने क्या बना दिया, फल, क्योंकि सभी लग रहा है इसलिए ऊपर बना दिया। सभी फल जड़ हैं, सभी फल जड़ हैं, तो सभी फल, तो ये फल तो ये आ गया था, ये वाला हमारा क्या था, फल ही था। तो ये वाला जब फल आ जाता है तो क्या कहेंगे साहब, सभी फल जड़ हैं, तो सभी आ रहा है इसलिए फल जड़ है, इसलिए फल के ऊपर जड़ बनाना था, तो फल था, फल के ऊपर क्या बना दिया, जड़ बना दिया। क्या था, समझ में आ गया होगा। अब मेरे दोस्तों यहाँ समझना, सभी पेड़ जड़ हैं या नहीं है, ये सत्य है या असत्य है, कैसे पता चलेगा, देखो सभी पेड़ जड़ है, पेड़ कहाँ पे है, ये वाला पेड़, जड़ कहाँ पे है साहब, ये तो फल का है, ये किसका है, जड़ का। तो सभी पेड़ जड़ है, ये पेड़ है, ये क्या है, जड़ है। तो ये पूछ रहा सभी पेड़ जड़ है, यानी कहाँ से चलना है, पेड़ से चलना है जड़ की ओर। कैसे पता चला साहब, सभी पेड़ जड़ हैं, इसका मतलब ये सभी पेड़, ये पेड़ हैं, वो क्या है, जड़ हैं। अब इसमें दो तरीका बताऊंगा, एक तरीका ये देखना, ये तो समझना है कि मेरा भारत है, ये क्या साहब, मेरा भारत है, और इसको समझना साहब, ये मेरा राजस्थान है, ये क्या साहब, मेरा राजस्थान है, और ये साहब क्या है, मेरा भीलवाड़ा है, क्या है साहब, भीलवाड़ा। अब इसने ये पूछा, सभी पेड़ जड़ हैं, पेड़ का मतलब क्या माना मैंने, भीलवाड़ा, और जड़ का मतलब किसने, किसको माना, भारत को। तो मुझे बताइए, सभी जो भीलवाड़ा वाले हैं वो भारत के हैं या नहीं है, सभी भीलवाड़ा वाले भारत के हैं या नहीं है, है ना, भीलवाड़ा वाले भारत के, तो ये पहला कथन क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। दूसरा देखना, सभी जड़ पेड़ है, अब मैंने जड़ किसको माना साहब, जड़ किसको माना, भारत वालों को, जड़ किसको माना, जड़ भारत को माना ना, ये जड़ इसको भारत माना, फल को क्या माना मैंने, राजस्थान, और पेड़ को क्या माना, भीलवाड़ा। तो अब देखना, सभी जड़ पेड़ है, जड़ किसको माना मैंने, जड़ किसको माना, भारत को, और पेड़ किसको माना, पेड़ किसको माना, भीलवाड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी जड़ का मतलब क्या, सभी भारत वाले, पेड़ यानी क्या हो गया, भीलवाड़ा। तो सभी भारत वाले भीलवाड़ा के हैं क्या, सभी भारत वाले भीलवाड़ा के हैं क्या, तो मुझे तो नहीं लगता कि सभी भारत वाले भीलवाड़ा के ही हैं, दूसरी जगह के नहीं है क्या, तो ये कथन क्या हो गया,
असत्य। तीसरा देखिए, कुछ जड़ पेड़ हैं, कुछ जड़ पेड़ हैं, तो जड़ किसको माना साहब, जड़ किसको माना मैंने भारत को, और पेड़ किसको माना, पेड़ किसको माना पिलवाड़ा। अब ये यहाँ पे कुछ लग रहा है, कुछ जड़ किसको माना मैंने भारत को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ भारत के लोग, पेड़ किसको माना भिलवाड़ा, तो कुछ भारत के लोग भिलवाड़ा के हैं क्या, कुछ लोग जो है भारत के वो भिलवाड़ा के हैं क्या, भिलवाड़ा के है ना, तो कुछ भारत के लोग भिलवाड़ा के हैं, ये भी सत्य हो गया। तीसरा देखिए, सभी फल पेड़ है, सभी फल पेड़, फल किसको माना मैंने, फल किसको माना राजस्थान को, तो सभी राजस्थान, राजस्थानी मान लो, सभी फल किसको माना मैंने राजस्थान को, तो सभी राजस्थानी पेड़ का मतलब क्या हो गया भिलवाड़ा, तो सभी राजस्थानी भिलवाड़ा के हैं क्या, सभी राजस्थानी भिलवाड़ा के हैं क्या साहब, सभी राजस्थान का जो लोग हैं, सभी राजस्थान के जो लोग हैं वो भिलवाड़ा के हैं क्या बताओ, सभी राजस्थान के लोग भिलवाड़ा के हैं क्या, सभी भिलवाड़ा वाले राजस्थान के हैं, लेकिन सभी राजस्थानी भिलवाड़ा के नहीं है, इसमें क्या हो गया, सभी फल पेड़ हैं, फल का मतलब क्या माना मैंने, फल किसको माना राजस्थान को, और पेड़ किसको माना भिलवाड़ा, तो सभी राजस्थानी क्या है भिलवाड़ा के, सभी राजस्थानी भिलवाड़ा के क्या, राजस्थानी में भिलवाड़ा चित्तौड़ कुछ भी आ सकता है ना, तो ये कतर क्या हो गया गलत। तो ऐसे हम प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा तरीका मेरा देखिएगा, इसको हटा देता हूं मैं, जब हम बाहर से यानी अंदर से बाहर की ओर चलेंगे, अंदर से बाहर की ओर चलेंगे, तो इसमें सभी वाला कथन सत्य होगा, सभी वाला कथन सत्य होगा। जब हम बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, तो कुछ वाला कथन ही सत्य होगा, कुछ वाला कथन ही सत्य होगा, ध्यान रखना। अगर हम बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं तो सभी वाला कथन सत्य होगा, और बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो कुछ वाला कथन अवश्य सत्य होगा। अब इसमें देखना, सभी पेड़ जड़ हैं, पेड़ यहाँ था, जड़ यहाँ थी बाहर, तो पेड़ से जड़ की ओर जा रहा है, तो अंदर से बाहर की ओर जा रहा है, तो क्या हो गया सत्य, अंदर से बाहर की ओर आता है तो सभी वाला सत्य होता है, यहाँ सभी लग रहा है, इसलिए क्या हो गया सत्य। दूसरा देखना, सभी जड़ पेड़ है, जड़ देखो, जड़ कहाँ है, जड़ ये बार वाली है ना, जड़ पेड़ है, जड़ से मैं पेड़ की ओर जा रहा हूँ, जड़ से पेड़ की ओर जा रहा हूँ, पेड़ की ओर जा रहा हूँ, तो यहाँ से इधर जाऊंगा, तो मैंने बताया कि बाहर से अंदर की ओर जाते हैं, बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कौन सा कथन सत्य होगा, बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ वाला सत्य होता है, इसमें कुछ लग रहा है क्या, नहीं लग रहा ना, इसलिए क्या हो गया गलत हो गया। तीसरा देखिए, कुछ जड़ पेड़ हैं, कुछ जड़ पेड़, तो जड़ कौन सी साहब, जड़ बाहर वाली, और जड़ पेड़ है, तो जड़ से किधर चलना, पेड़ की ओर, तो यहाँ पे भी मैं कहाँ से चला, बाहर से अंदर की ओर, और बाहर से अंदर की ओर मैंने क्या बताया, तो बाहर से अंदर की ओर मैंने बताया कि ये इसमें क्या सत्य होता है, कुछ वाला सत्य होता है, तो ये कुछ ही आ रहा है, इसलिए भी क्या हो गया सत्य। चौथा देखिए, सभी फल पेड़ है, तो फल कौन से नंबर पे है साहब, फल कौन से नंबर पे है, फल दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, सभी फल पेड़ है, तो फल से पेड़ की ओर जा रहा हूँ, फल से पेड़ की ओर जा रहा हूँ, तो फल से पेड़ की ओर जा रहा हूँ, तो मुझे बताया कि बाहर से अंदर की ओर जा रहा हूँ या अंदर से बाहर की ओर, तो फल से पेड़ की ओर, फल से पेड़ की ओर जा रहा हूँ, तो मैं बाहर से अंदर जा रहा हूँ, बाहर से अंदर जाने के लिए कुछ वाला सही होता है, कुछ वाला सही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है सभी, इसलिए कौन सा कथन क्या हो जाएगा गलत। तो हमारे कौन से कथन सही हुए, फर्स्ट और थर्ड कथन सत्य होगा, समझ में आ गया ना, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये मैटर बढ़िया है, तो अगर किसी का संपर्क नहीं होता है तो हम कह देंगे उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसमें देखेंगे, कुछ फल पेड़, पहले तो मैं इसको बनाऊंगा फल को, ये फल बना दिया सब, कुछ फल पेड़, अब मैंने बताया कि फल बना दिया, सभी होता तो इसके ऊपर बन जाता, कुछ है इसलिए थोड़ा काटते हुए इसको बनाएंगे, कुछ फल पेड़, सभी होता तो इसके ऊपर आ जाता, कुछ है इसलिए इसको काटते हुए मैंने बना दिया कुछ फल पेड़। दूसरा देखिए, सभी पेड़ फल है, तो पहले मैं किसको बनाऊंगा, पहले किसको बनाऊंगा पेड़ को, ते मैंने बना दिया पेड़, यहाँ आ रहा है सभी, सभी आ रहा है, मैंने बताया ऊपर बनाया नहीं पड़ेगा, सभी पेड़ यानी पेड़ के ऊपर बनाना पड़ेगा, सभी आ गया इसलिए ऊपर बना दिया,
पेड़ है, पेड़ के ऊपर बनाएंगे, क्योंकि क्या लिख रखा है सभी पेड़, तो पेड़ के ऊपर बनाएंगे सभी, सभी पेड़ फल हैं, तो यह क्या लिखूंगा मैं, समझ आ गया ना, पहले पेड़ को बनाया सभी लिख रखा इसलिए मैंने ऊपर बना दिया और, तो वो क्या हो गया कुछ जड़ फल हैं, कुछ जड़ फल हैं, तो जड़ तो अभी आया नहीं, लेकिन देखिए फल है या नहीं है, फल है ना, फल वाला कौन सा है, ये वाला किसका है, फल का, तो ये क्या लिख रखा इसने, कुछ जड़ फल हैं, तो कुछ जड़ फल हैं, तो जड़ नहीं है लेकिन फल तो है, तो फल को कुछ आ रहा है इसलिए मैं थोड़ा काटते हुए बनाऊंगा, सभी होता तो उसके ऊपर बना देता, लेकिन कुछ आ रहा है इसलिए मैं क्या करूंगा उसको थोड़ा काटते हुए बनाऊंगा, कुछ जड़ फल है, जड़ नहीं है लेकिन फल तो है, इसलिए फल को काटते हुए, फल को काटते हुए मैं इस प्रकार इसको बना दूंगा और ये क्या आ जाएगी जड़, समझ में आ गई ना कैसे काटा मैंने जड़, कुछ जड़ फल है, तो फल था, तो फल था तो मैंने क्या किया इस फल को काटते हुए मैंने बना दिया, क्योंकि कुछ था इसलिए उसको फल वाले को कुछ ही लेना है, सभी लेना होता तो इसके ऊपर बन जाता, कुछ लेना इसलिए मैंने फल को काटते हुए बनाया, क्योंकि इसने लिख रखा कुछ जड़ फल है, जड़ नहीं है लेकिन फल तो है इसलिए फल को काटते हुए बनाया, अगर ये कहता था कि कुछ पेड़ जड़ है तो मैं पेड़ को काटते हुए बनाता, समझ में आ गया ना, अब कथन देख निष्कर्ष देख लेते हैं, कुछ फल पेड़ है, पहले इसमें देखिए कुछ फल पेड़ है, फल बाहर वाला है, पेड़ अंदर है, फल बाहर है, पेड़ अंदर है, और मैंने बताया बाहर से अंदर की ओर जाने पर कौन सा कथन सत्य होता है, कुछ फल पेड़ है, फल बाहर है, पेड़ अंदर है, बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो कौन सा कथन सत्य होता है, कौन सा कथन सत्य होता है, कुछ वाला कथन ही सत्य होता है, यहाँ पर कुछ ही है इसलिए पहला कथन इस राइट, समझ आगे दूसरा देखिए, कुछ फल जड़ हैं, अब कुछ फल जड़ हैं, ये देखिएगा फल कौन सा है, ये वाला फल का यही है, कुछ फल जड़, जड़ वाला कौन सा है, ये वाला, तो मुझे बताइए कि ये तो था फल का, ये था जड़ का, दोनों आपस में कहीं कट रहे या नहीं कट रहे हैं, तो कुछ फल जड़ है, फल वाला ये था, जड़ वाला ये है, आपस में दोनों कट रहे हैं इसलिए कुछ वाला ही सही होगा, आपस में कटते हैं तो कुछ वाला ही सही होता, तो दूसरा कथन भी क्या हो गया सत्य, तीसरा देखिए कुछ जड़ पेड़ है, कुछ जड़ पेड़ है, ये जड़ है और ये पेड़, यहां पर देखो यहाँ कुछ जड़ पेड़ है, तो जड़ और पेड़ में कोई कनेक्शन नहीं है, जड़ अलग है पेड़ अलग है, दोनों आपस में प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं इसलिए इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, जड़ पेड़ है नहीं है, कुछ पेड़ जड़ है या नहीं है, कुछ जड़ पेड़ है या नहीं है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पेड़ अलग है जड़ अलग है और दोनों अलग होने से हम उसके बारे में कुछ भी राय नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये गलत होगा, यानी डाउट में जाएगा, और डाउट में जाना वाला क्वेश्चन अधिकतर गलत में ही आता है, डाउट में जो जाता है यानी कि इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते तो हम ये कहेंगे कि डाउट में है, डाउट में होता है तो क्वेश्चन अधिकतर गलत में जाता है, कभी कभी जो प्रश्न आते हैं या तो कथन एक या कथन दो उसमें जाता है फिर ये, तो अभी कौन कौन से कथन सत्य हो गए इसमें, फर्स्ट और सेकेंड कथन सत्य होगा और तृतीय क्या हो जाएगा गलत, तो ये छोटा सा वीडियो था, इसका सेकेंड पार्ट और लेके आएंगे, पहले आप इन दो तरीके वाले सवाल अपनी बुक से करना, समझ में नहीं आए तो कमेंट में करना एक बार कि एक बार वापस वीडियो बनाएंगे, तो वीडियो देखें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, धन्यवाद।